जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज मैं बताने वाला आपको कैसे आप काइन मास्टर में अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर है तो ज्यादा से ज्यादा 99% लोग तो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करने के लिए फ्री में स्टार्टिंग वाले जो भी स्टार्टिंग वाले यूट्यूबर है तो काइन मास्टर का यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि काइन मास्टर फ्री है और उसका कोई पे है पेड में। काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, तो कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपना, कैसे इफेक्ट्स ला सकते हैं, कैसे साउंड ला सकते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस सब बताने वाला इस वीडियो में। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा समय गवाते ना गवाते इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। आज हम देखेंगे काइन मास्टर में आप कैसे इंटरफेस, तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा काइन मास्टर में। तो ये कुछ वीडियो बनाया हमने वो पहले के दिखाएंगे आपको। वीडियो बनाना है यूट्यूब पे तो आपको दो तरह के मिल जाते हैं, एक इंट्रो मिल जाता है दोस्तों, इस पर क्लिक के प्लस पे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे तो 16:9 रेशियो ठीक है आपके लिए, नहीं तो आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना ये बना सकते हैं इमेज के लिए। तो हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे तो यूट्यूब पे क्लिक कीजिए इस पर 16:9 रेशियो पे। तो ऐसे इंटरफेस है, आपको ये बोलेगा कि आप अपना जो वीडियो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैं कैमरे में जाके वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वीडियो को सिलेक्ट कर लेते दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता दोस्तों, ये वीडियो सिलेक्ट हो गया, यहाँ से ओके क्लिक दबाइए, क्लिक दबाना इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो प्ले होएगा। अब ये आपने देखा कि दोस्तों कि ऐसा हो रहा है, जो स्टार्टिंग का प्ले से मेरा उसको डिलीट मारना, तो आपको सिंपल से करना है वीडियो पे सिलेक्ट करना है। वीडियो पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक पे इरेजर कैंची का कट होगा, तो इसमें चार ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आपको, ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड, ट्रिम टू राइट टू प्ले हेड, स्प्लिट टू प्ले हेड, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रेम साइज। ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड मतलब लेफ्ट साइड का जो भी आपकी स्क्रीन हो डिलीट कट हो जाएगा, तो उसको देखे दोस्तों ओपन कीजिए, तो यहाँ की स्क्रीन कट हो गई, तो आप देखो तो डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। ये देखो दोस्तों डायरेक्ट शुरू हो गया। अब इसका एक और काम आता है दोस्तों कि अब आपका राइट साइड का खराब है, मतलब राइट साइड का आपने जो भी बोला वो गलत है, तो मैं बाई चांस एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो ये राइट साइड का थोड़ा सा मेरा इंटर आखिरी का यूनिक है, किसी को भी मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आखिरी का ये मेरा अभी काम नहीं, क्योंकि मैं अभी कैमरा ऑफ करने जाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको करूंगा ट्रिम टू राइट टू प्ले हेड, मतलब आगे का कट हो जाएगा ये पोर्शन जो मेरा काम का नहीं, तो ये कट हो गया दोस्तों। ऐसे आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों ये होने के बाद आपको शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। अब आता है दोस्तों कि आपका जो भी YouTube चैनल का इंट्रो आना चाहिए, इंट्रो के लिए आप क्या करते हैं दोबारा से कट करना पड़ता है, इसके लिए जरूरत नहीं। अब काम आता है दोस्तों स्प्लिट टू प्ले हेड, मतलब आपको कोई इंट्रो लाना अपना एक बीच में चैनल के, तो इसको क्लिक कीजिए, तो ऐसे इंटरफेस आ ये प्लस का ऑप्शन रहेगा। अब आपको करना है जो भी आपको इंट्रो लाना है उसको सिलेक्ट कीजिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इंट्रो को। तो ऐसे आप अपना इंट्रो ला सकते हैं स्टेट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। अब देखो दोस्तों ऐसे इंट्रो ला सकते हैं। अब ये काम हो गया मीडिया का दोस्तों, ये काम हो गया। अब इसमें काम आता है, अब इसका काम हो गया, अब इस पर प्लेट स्प्लिट मतलब दोस्तों इसका काम आता है जूम आउट और जूम इन, मतलब दोस्तों आपको ये पहले स्टार्टिंग है इंट्रो, तो आपको ये जूम आउट चाहिए मतलब पास से दूर होना चाहिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, स्क्रीन में जाए, जितना पोर्शन आपको जूम चाहिए उतना पोर्शन पर आप जूम करें, और एंडिंग का जितना पोर्शन आपको कैसे चाहिए आपके हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिए, मैं इतना रखता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जूम इन पे प्ले होगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ऐसे होएगा, आप भी ऐसे कर सकते हैं जूम आउट जूम इन। अब ये होने के बाद दोस्तों आते हैं वॉल्यूम, कि आप अपने वॉल्यूम कैसे रख सकते हैं, आपका वॉल्यूम कम है, आपने जो हेडफोन आपका जो भी माइक्रो फोन है आपका ज़्यादा काम नहीं कर रहा, तो उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ऑटो वॉल्यूम में दोस्तों कि आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा चाहिए, राइट साइड में ज़्यादा चाहिए। अब पिच है तो जैसे कि दोस्तों पिच का मतलब है कि आपकी आवाज़ कम चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए, भारी चाहिए, तो मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ। अब आप मेरी आवाज़ सुन सकते दोस्तों 24 में, तो दोस्तों देख सकते मेरी आवाज़ कितनी कम हो गई, तो ऐसे आप कर सकते। अब ये दोनों का काम हो गया। अब क्लिक है ग्राफिक्स में आएंगे दोस्तों, क्लिक है ग्राफिक्स में ऐसे कि स्टार्टिंग का आपको इंट्रो कैसे चाहिए, तो मैं एक इंट्रो दिखाता हूँ आपको दोस्तों, सेंसिटिव मेल में दिखाता हूँ आपको एक स्क्रीन।
तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे ही इंट्रो आएगा दोस्तों, आपको चाहिए तो फिर इससे टेक्स्ट पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं टाइम स्टोरी लिख देता हूँ, जैसे मैं पहले हर वीडियो में लिखता ही हूँ टाइम स्टोरी लिखे दोस्तों। तो कितने इंट्रो में चाहिए आपको, इंट्रो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने इंट्रो में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। इसको कितने इंट्रो में आपको कहाँ तक दिखाना उतना भी आप डिपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते कि ऐसे दिखाएगा आपका टाइम स्टोरी 24 दोस्तों ऐसे इंट्रो में। ये होने के बाद दोस्तों आप बात स्पीड के बारे में, स्पीड मतलब आपकी वीडियो की कितनी स्पीड होनी चाहिए। अब ये स्लो मतलब ये स्लो हो जाएगी दोस्तों, ये फास्ट हो जाएगी, तो हम तो फास्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको 2 पॉइंट। तो आप वीडियो देखो कितना फास्ट चलेगा, देख सकते हो दोस्तों कि ऐसे वीडियो फास्ट होएगा। तो आपको पर्टिकुलर वीडियो फास्ट करनी है तो सिंपल सा ये दबाइए और इरेज में जाए स्प्लिट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपको स्प्लिट चाहिए, इतना इतना पर्टिकुलर वीडियो आपको फास्ट चाहिए इतना सिलेक्ट कीजिए और सिंपल सा ये राइट क्लिक कीजिए, इतना वीडियो आपको पर्टिकुलर स्पीड में चाहिए तो आप स्पीड में जाइए, स्पीड में 2.5 कीजिए और ओके कर दीजिए। ये ओके होने के आप देख सकते दोस्तों, देख सकते हो कि ये वीडियो कितना फास्ट हो गई। तो ये वीडियो आपको फास्ट नहीं चाहिए, इसका साउंड इसकी हम क्या कर देते हैं इसकी स्पीड कम कर देते हैं, जितना चाहिए उतने स्पीड रख देते हैं इसका। अब इसकी स्पीड देखो दोस्तों, इसकी स्पीड ज़्यादा होंगी तो इसकी स्पीड हम स्लो कर देते हैं, मतलब आपको जितना पार्ट स्पीड कर ये फास्ट हो गए ये स्लो हो गए, तो इतना ये स्लो हो गए। अब ये जो पर्टिकुलर व्यू से वो पर्टिकुलर आ जाएगी दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर स्पीड हो गई दोस्तों। आप ऐसे ही अपनी स्पीड चेंज कम ज़्यादा 8x में कर सकते, तो ये कम कर देते देखो ऐसे स्पीड कम कर सकते आपके साथ। अब रिवर्स मतलब दोस्तों कि रिवर्स का मतलब रहता है कि एक आपको छोटा सा पार्ट दिखाता है रिवर्स के लिए, तो कि उल्टा चलेगा दोस्तों। ये देखो जय हिंद दोस्तों ऐसा आ रहा है, मतलब मैं कहाँ से बोल रहा हूँ कि जय हिंद दोस्तों ये हो रहा है। अब रिवर्स का काम आता है कि जो आगे का वीडियो पीछे आ जाएगा। अभी देखो दोस्तों मैं रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग मतलब जो सीधा है उसको उल्टा कर दे, मतलब एक जादू तरफ, जैसे कि दोस्तों आप कोई मोबाइल फेंक देंगे तो ऑटोमेटिक अपने हाथ में आएगा, वैसे है दोस्तों इसका काम। अभी देखो दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते कि ये उल्टा हो गया, हाँ ऐसा मतलब दोस्तों ये उल्टा हो गया, मतलब ये जो मैं आगे की चीज़ है वो पहले हो गई। तो रिवर्स में आप ऐसे कर सकते हैं, रिवर्स का हो गया दोस्तों। अब रोटेटिंग मिलेंगी, मतलब दोस्तों कि आपका स्क्रीन कैसे चाहिए, आपको रोटेट चाहिए या लेफ्ट राइट चाहिए या पहले स्टार्टिंग चाहिए या रोटेट चाहिए स्क्रीन, ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब ये होने के बाद दोस्तों आप आते हैं आपको कलर फिल्टर, मतलब आपके वीडियो में कैसे कलर चाहिए, बेसिक कलर चाहिए तो ये ऐसे इंटरफेस है, आपको यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको कैसे इंटरफेस चाहिए, या ऐसा कलर, ये पुराने टाइप के कैमरे में रहते वैसा चाहिए या ऐसे चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों पर्टिकुलर चाहिए तो ऐसे कर सकते दोस्तों। मैं ओरिजिनल नॉन रख देता हूँ ओरिजिनल। अब ये कलर होने के बाद दोस्तों आता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आपको दोस्तों कि आपकी वीडियो की ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं कम कर सकते, खासकर आपके ब्राइटनेस कम है आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ आपके लाइटिंग ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब आपके बैकग्राउंड की जो भी वीडियो है वो बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेचिंग का भी वही काम है, थोड़ा बहुत लाइटिंग का या वाइब्रेशन का इसका काम ये आता है। ये होने के बाद दोस्तों आते हैं EQ, EQ महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपकी आवाज़ कैसी चाहिए आपको, आपकी आवाज़ से बेस ब्रॉडर में चाहिए वैसे चाहिए वैसे होगा दोस्तों। इसके हम साउंड को स्पीड को कम कर देते हैं, स्पीड को हम 0.5 रख देते हैं ओके। तो ये होने के दोस्तों एडजस्टमेंट ईगो, वॉल्यूम इक्विपमेंट दोस्तों, वॉल्यूम में दोस्तों कि आपकी वॉल्यूम कैसे रखनी है, आप उसी हिसाब से आपकी वॉल्यूम के हिसाब से आपका वॉल्यूम जहाँ बड़ी है वहाँ कम रख सकते, जहाँ छोटी वहाँ ज़्यादा रख सकते। अब जैसे कि वॉल्यूम में दोस्तों आपको कि आपकी आवाज़ कहीं कहीं ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते, कहीं कहीं बड़ी है उसको ज़्यादा कर सकते, आपको लगता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा है तो यहाँ कम कर सकते। देखो ऐसे दोस्तों आपने आवाज़ भी चेंज कर सकते आप इसके तुल। अब रिवर्ब, रिवर्ब में बस दोस्तों आपको कहाँ बैठ के आप बैठ बता रहे, बाथरूम में बना रहे हो, चर्च में, इको रूम में, मतलब आपकी आपकी सिंपल से आवाज़ आएगी वैसे दोस्तों। इको रूम मतलब आपका आवाज़, इको रूम मतलब एक रूम में बना रहे, बेडरूम में बना वैसे। अब आता है वॉइस चेंजर दोस्तों, आप इससे वॉइस चेंजर भी कर सकते, टू पिक्चर भी वॉइस चेंजर।
इंडियन आवाज निकाल सकते हैं आप, चिंपू आवाज, ऐसे आप बहुत सारी आवाजें निकाल सकते हैं। नॉर्मल कर देते हैं उसको। ये होने के बाद दोस्तों आते हैं वॉइस वीकनेस, मतलब ब्राइटनेस दोस्तों की फोकस आपकी इमेज पे कर रही है। एक्सप्रेशन ऑडियो, एक्सप्रेशन ऑडियो का काम है दोस्तों कि आपकी आवाज़ आप कभी कभी क्या करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते और एक्सप्रेशन आवाज़ नहीं, आप कभी कभी आपको अलग से आवाज़ रिकॉर्ड की रहती है आपके मोबाइल में लैपटॉप में, तो उसका एक्सप्रेशन आवाज़, तो इसको लेके आप यहाँ से डिलीट मार सकते हैं और आपकी आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों इस वीडियो में। तो आपको जो भी वीडियो में आवाज़ डालनी है यहाँ से जाके सॉन्ग में जाके कौन सी भी आवाज़ आप डाल सकते हैं, जैसे कि कौन सी भी ऑडियो हो ऐसे आवाज़ आप डाल सकते अपने वीडियो में दोस्तों। एक्सप्रेशन ये होने के दोस्तों ये सब बताने ये सब आपके सेटिंग में बता चुका हूँ। ये होने के अब आते हैं दोस्तों इस तरफ लेफ्ट साइड कैप्चर। दोस्तों कैप्चर का मतलब दोस्तों कि आपको इमेज जो भी कैप्चर मतलब वीडियो में आपको फ़ोटो कैप्चर करने थे इसके थ्रू आप कैप्चर कर सकते हैं इमेज, ये फ़ोटो सेव हो गए दोस्तों। ऐसे आप कैप्चर टू एड्स क्लिप भी कर सकते हैं, कैप्चर एड्स लेयर भी कर सकते हैं। ये होने की सेटिंग है दोस्तों। सेटिंग में आप अपने ऑडियो या और थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि प्रोजेक्टर हो गया, ये वॉइस मेकर हो गया, ये वीडियो में भी आप दोस्तों की ऑडियो हो गया, वीडियोस खासकर तो वीडियोस में होता है दोस्तों की वीडियो फेड इन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट आपको कैसे रखनी है, फास्ट में रखनी, फास्ट रख सकते प्रोजेक्ट, एंड कैसे करनी है आपको वीडियो की तो उसको स्लो कर सकते हैं। आप देख सकते दोस्तों की ये वीडियो की एंडिंग हो रही है, देख सकते तो देख सकते दोस्तों ऐसे एंडिंग हो गया, ऐसी ब्राइटनेस होगी, तो ये इनपुट्स मतलब दोस्तों कि आपके एडजस्टमेंट स्टार्टिंग हो। ये सब होने के बाद लेयर आते हैं दोस्तों। अब इसमें आते हैं लेयर मीडिया। दोस्तों मीडिया मतलब आपको इमेज चाहिए, इसके बैक साइड में आप कुछ समझाते हैं तो इसके वीडियो चाहिए, साइड में इमेज चाहिए, जैसे कि ये इमेज चाहिए तो इस इमेज को ले एडजस्टमेंट कीजिए और यहाँ इमेज आ जाएगी आपको एडजस्टमेंट। तो वैसे एनिमेशन कर सकते हैं आप कि आपको कैसे शो करने इमेज, ऐसे इमेज शो कर सकते हैं, इस इमेज की भी सेटिंग कर सकते हैं। और एनिमेशन मतलब आपको फ्लिकर चाहिए, फोकस होना चाहिए, ऐसे इमेज सेटिंग कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब आता है क्रोमा दोस्तों। क्रोमा ये कब आता है काम आता है, अभी तो काम आएगा नहीं दोस्तों। क्रोमा का ग्रीन स्क्रीन पे काम आता है तो उसको छोड़ दीजिए। क्रोमा ग्रीन स्क्रीन है तो आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट क्रॉपिंग, मतलब आपकी वीडियो को कैसे लेंथ चाहिए, शेप चाहिए आपको, शेप कौन सा, स्क्वायर चाहिए, सर्कल चाहिए, सर्कल चाहिए तो सर्कल के बहुत प्रकार के मिल जाएंगे, सर्कल में भी इसको शेप में रख सकते हैं, जैसे सर्कल में रख दिया। अब हो गया क्रोमा, ये सब एडजस्टमेंट पहले जैसे ही दोस्तों। ये होने के बाद अब ये मीडिया मतलब समझ गए। इफेक्ट्स मतलब दोस्तों कि वीडियोस में इफेक्ट्स लाना, मतलब ब्लर, जहां आपको जो भी ब्रांड दिखाना नहीं रहता होगा फालतू का ब्रांड है उसको ब्लर दिखाना, तो बाई चांस ब्लर दिखाना तो दोस्तों आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है, ब्लर पे, ब्लर पे क्लिक कीजिए, जितना ब्लर दिखाना, जैसे कि मैं ये वीडियो में अपने आपकी शक्ल को ब्लर दिखाता हूँ, ओके कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी इमेज ब्लर आ गई, तो किसी किसी की इमेज दिखाने रहते वैसे आप ब्लर दिखा सकते हैं इसके थ्रू इफेक्ट्स में। अब स्टिकर आ गए दोस्तों कि स्टिकर आपको क्लासिक स्टिकर बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे आपको, और खरीदने तो खरीद सकते हैं गेट मोर में, मैं एक स्टिकर लेके आपको दिखाता हूँ। ये स्टिकर मिल गया, इसको एडजस्टमेंट यहाँ से क्लिक कीजिए, इसको एडजस्ट कीजिए और मेरे सर पर लगा देते। हाँ तो सेटिंग अल्फा क्लेम, तो यहाँ से फ्लग भी कर सकते, ब्लैंक शो कर सकते, बहुत सारे प्रकार के आप देख सकते हैं। ये स्टिकर आ गया दोस्तों, ऐसे आप स्टिकर भी लगा सकते हैं इसके थ्रू। अब टैक्स आता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ आपको कुछ भी टॉपिक पे लिखना है, जैसे कि माय मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, फोन, तो ऐसे टेक्स्ट लिख के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट होने का दोस्तों इसका एनिमेशन भी ला सकते हैं, आप कैसे एनिमेशन चाहिए ऐसे आपको दिखाना है, उसकी स्पीड भी दिखा सकते हैं यहाँ से आप इतनी कितनी स्पीड में चाहिए, स्लो में चाहिए या फास्ट में चाहिए वैसे आप दिखा सकते हैं। एनिमेशन होने के बाद दोस्तों आता है इसको ओवरले से, वो सेम सेम है। अब आता है टेक्स्ट के आउटलाइन दोस्तों, कि आपको टेक्स्ट के आउटलाइन चाहिए, डार्क चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, फर चाहिए, तो इसके पहले से एडजस्टमेंट रहते हैं, इतना डार्कनेस ओके कीजिए, डार्कनेस शेडो भी चाहिए इसकी तो आप शेडो भी कर सकते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं शेडो आ रही पीछे बैक साइड में, या अपर चाहिए तो अपर एंगल के हिसाब से आप एंगल भी कर सकते हैं। ये होने का तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप कलर कौन सा रखना चाहिए, तो मैं हमेशा रेड रखता हूँ तो रेड रखें, तो आप देख सकते वीडियो में आप कैसे दिखेगा दोस्तों ये,
दोस्तों देख सकते हैं ऐसे माय मोबाइल फ़ोन ऐसे बैकग्राउंड में टेक्स्ट दिखे, टेक्स्ट होने के बाद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में मेन आता है जैसे कि इस मोबाइल का आपको एरो दिखाना था, ये एरो बहुत सारे प्रकार के एरो आएंगे, सर्कल आएंगे, सर्कल में दिखाना एरो में, तो मैं ज़्यादा से एरो में दिखाता था कहाँ से कहाँ तक एरो दिखाना, वहाँ से वहाँ स्टार्टिंग कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, सिंपल सही होने के बाद ओके कीजिए, उस एरो पे क्लिक कीजिए और इसको आपको अल्फा प्लोटिंग हो गया या ब्लॉक दिखाना, ब्लैक शो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देखना ब्लैंक शो दिखाएगा, ब्लैंक शो आता है दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग में आता है दोस्तों कि आप खुद की रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता स्टार्ट कर देता, हेलो आई एम टेक्नोलॉजी गुरुजी, आई एम आकाशवाणी यू अंडर रिप्रेजेंट, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे काइंड मास्टर में आवाज आ रही है, आई एम आकाशवाणी यू अंडर, हाँ तो दोस्तों ऐसे अपना ऑडियो भी और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो दोस्तों कि आपको कौन सा ऑडियो करना है वो वैसे कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते कौन सा ऑडियो आपको सिलेक्ट करके इसमें लगाना है, इस वीडियो में आप वैसे लगा सकते इसके थ्रू। ये होने के बाद दोस्तों आपका आपको लगा कि आपका वीडियो परफेक्ट बन गया, तो यहाँ एक्सपोर्ट में जाइए राइट में और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, और आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग किया, एक वीडियो आपको दिखाया सैंपल के थ्रू, कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसे आप इफेक्ट्स ला सकते हैं, टैक्स ला सकते हैं, वॉइस चेंजर कर सकते हैं, तो आप बहुत पकड़ के कर सकते हैं, आप और यूज करेंगे उसको तो और पता लग जाएगा आपको दोस्तों, इफेक्ट्स भी ला सकते हैं आप, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए दोस्तों, तो ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, आपके काम आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।